हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आईपीएल में 2 साल बाद वापसी करने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोके 125 रन मारे। जवाब में हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 15.5 ओवर में ही 1 विकेट खोकर ही जरूरी रन चेस कर लिया और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना किला बरकरार रखा और ये टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की। टॉस हारकर पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर बल्लेबाज डार्सी शॉट महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और संजू सैमसन ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। अजिंक्य रहाणे फिर 13 रन पे आउट हो गए। रहाणे के आउट होने के बाद राजस्थान के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते रहे। बेन स्टोक्स, जिनसे की बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए और राहुल त्रिपाठी ने 17 रन बनाए। राजस्थान की ओर से सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले हैं संजू सैमसन, जिन्होंने 49 रन की पारी खेली, पर दुर्भाग्य से वो अपने हाफ सेंचुरी से चूक गए। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और साकिब अल हसन और सिद्धार्थ कौल ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को जयदेव उनदकट ने महज 6 रन पे झटका दिया जब रिद्धिमान साहा को उन्होंने आउट कर दिया। पर इसके बाद शिखर धवन और कैप्टन केन विलियमसन पिच पे टिक गए और उन्होंने इसके बाद कोई विकेट गिरने नहीं दिया। शिखर धवन 77 रन बना के नॉट आउट रहे और कैप्टन केन विलियमसन भी 36 रन बना के नॉट आउट रहे और इन दोनों ने मिलके अंत तक सनराइजर्स हैदराबाद को 15.5 ओवर में ही मैच जिता दिया। तो दोस्तों, रोज आईपीएल की सारी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।